झाड़ फूक के नाम पर दुष्कर्म करने वाले कई बाबा सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी दुराचारी बाबाओं के कर्मकांड थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसा ही एक मामला फिर मध्य प्रदेश के जबलपुर से सामने आया है, जहां एक तांत्रिक बाबा ने झाड़ फूक के नाम पर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। दरअसल मामला जबलपुर जिले के बरेला का है, जहां एक महिला के साथ एक तांत्रिक बाबा ने झाड़ फूक के नाम पर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। महिला ने जिसकी शिकायत बरेली थाने में की है। महिला बीजा डांडी के जमुनिया निवासी एक तांत्रिक महेश यादव के पास झाड़ फूक के लिए गई थी, जहां तांत्रिक बाबा ने महिला को बनवारा नहर के पास शमशान घाट पर झाड़ फूक के नाम पर बुलाया और जबरन दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। वहीं आरोपी तांत्रिक बाबा महिला को धमकाते हुए मौके से फरार हो गया। इसके बाद पीड़ित महिला ने इस बात की शिकायत बरेला थाने में की, जिसके बाद बरेला थाना पुलिस ने आरोपी ढोंगी तांत्रिक बाबा को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया है। कल थाने पर एक महिला द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई कि वो 3-4 दिन से परेशान थी शारीरिक रूप से, झाड़ फूक और इलाज के लिए वो बीजादानी थाना अंतर्गत जमुनिया गांव में रहने वाले एक तांत्रिक के पास गई और वहाँ उससे झाड़ फूक कराई। उसी क्रम में उस तांत्रिक द्वारा घटना दिनांक को भलवारा गांव के पास नहर के किनारे उसे बुलाया गया और वहाँ से झाड़ फूक के नाम पर शमशान ले जाया गया और उसी दरमियान उसके साथ में गलत काम किया गया है। रिपोर्ट दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है, दंड दर्ज कर लिया गया है।